नमस्कार। बुधवार का दिन भी आरन खान के लिए राहत लेकर नहीं आया। बॉम्बे हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई और आरन को जमानत नहीं मिली। अब कल यानी कि गुरुवार को एक बार फिर से इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। एनसीबी के वकील और आरन के वकील दोनों की तरफ से कोर्ट में दलीलें पेश की गई, लेकिन जिस फैसले का शाहरुख को इंतजार था वो फैसला नहीं आ पाया। ये शाहरुख के लिए बहुत बड़ा झटका आप इसे कह सकते हैं, और साथ ही साथ आरन खान के लिए भी। बॉम्बे हाई कोर्ट में एनसीबी की तरफ से जो दलील पेश हुई वो भी आपको बता देते हैं। एनसीबी ने कोर्ट में जमानत का विरोध किया। एनसीबी की तरफ से कहा गया कि इससे केस पर असर पड़ेगा। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती मामले का हवाला भी कोर्ट में दिया। एनसीबी ने कहा बेल देना गवाहों को प्रभावित कर सकता है। मंगलवार को सुनवाई पूरी नहीं हो पाई थी, जिसके बाद बुधवार यह फैसला आया था। और अब आपको यह भी बता देते हैं कि आर्यन की तरफ से वकीलों ने क्या दलील कोर्ट में पेश की। मुकुल रोहतगी चूंकि कोर्ट में मौजूद थे, रोहतगी ने आरन की तरफ से अपनी दलील पेश करते हुए कहा, जहां तक मेरा सवाल है, यानी कि उन्होंने आरन के संदर्भ में बात की, जहां तक मेरा सवाल है, मेरे पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है, कोई सेवन नहीं हुआ है और ना ही कोई मेडिकल टेस्ट हुआ है। अरबाज मर्चेंट के पास 6 ग्राम चरस थी जो उसके जूते से बरामद की गई। मर्चेंट इससे इनकार कर रहा है, मुझे कोई चिंता नहीं है सिवाय इसके कि वो मेरा दोस्त है। मेरा मामला कॉन्शियस पोजेशन का नहीं है, किसी के जूते में क्या था या कहीं भी मेरी चिंता नहीं है। जो बरामद किया गया वो छोटा सा 6 ग्राम था। ये मात्रा मुझे हिरासत में रखने के लिए काफी नहीं है। कई अन्य बिचौलियों और व्यवसायिक मात्रा के साथ पाए गए हैं। मुकुल रोहतगी ने कहा ये यानी कि ड्रग्स मेरे नियंत्रण में नहीं था। अरबाज मर्चेंट के जूते में क्या पाया गया था, अरबाज मेरा नौकर नहीं है, वो मेरे नियंत्रण में नहीं है, इसलिए कोई साजिश नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप मुझे अरबाज और आरोपी नंबर 17 के साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन बरामदगी के बाद लेकिन मैं किसी और के साथ नहीं जुड़ा हूं। मुकुल रोहतगी ने कहा व्हाट्सएप चैट का क्रूज पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा आर्यन के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुई। आर्यन का ड्रग्स लेने से संबंध कुछ भी नहीं है और इसके तहत उनका कोई टेस्ट भी इतने दिनों में नहीं हुआ है। आर्यन की गिरफ्तारी का कोई आधार ही नहीं है। पार्टी से पहले ही आर्यन को गिरफ्तार कर लिया गया था। बिना किसी सबूत के आर्यन 24 दिन से जेल में बंद है। आर्यन को स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। आर्यन पर कोई केस बनता ही नहीं है। हालांकि आर्यन के वकील की कोई दलील काम नहीं आई और फिलहाल इस मामले की सुनवाई अब गुरुवार को होगी। आपको बता दें 3 अक्टूबर को आर्यन को मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज से गिरफ्तार किया गया था। आर्यन क्रूज पर चल रही रेव पार्टी का हिस्सा थे। पिछले 24 दिनों से एनसीबी ने आर्यन को गिरफ्तार कर रखा है और वो आर्थर रोड जेल में बंद है। शाहरुख एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि उनका बेटा बाहर आ जाए, लेकिन उनका ये जोर किसी भी काम नहीं आ रहा है और आज की रात भी आर्यन को जेल में ही काटनी होगी। अब गुरुवार का दिन काफी अहम होगा आर्यन खान के लिए, शाहरुख खान के लिए और तमाम उन फैंस के लिए जो ये दुआ कर रहे हैं कि आर्यन जल्द से जल्द जेल से बाहर आ जाएं। आप बताइए इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि आर्यन खान को परेशान किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, या फिर आपको लगता है कि आर्यन की गलती है? जो भी आपका मानना हो इस पूरी खबर पर कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।